हाय एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। मैं गाजी तैमूर हूँ एंड आई एम हियर विद संडे टाइम्स। और आज हम कर रहे होंगे थोड़ी बहुत मिलके दिल की बातें। सो दिस इज़ बैक व्हेन मैं अपने ओ लेवल्स ए लेवल्स कर रहा था, तो मेरी वालदा मुझे अपने साथ लेके जाती थी। वो झुग्गियों में डिफरेंट एक कम्युनिटीज़ में लाहौर में जाके खुद खाना देती थी और बच्चों को पढ़ाती थी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो बैठ जाती थी बच्चों के साथ और उनको वहाँ पे पढ़ा रही होती थी। तो मुझे भी हाथ पकड़ के ले जाती हैं कि जी गाजी तुम भी चलो साथ, तो मैं जो पढ़ा रही होंगी तुम भी एक आध बच्चों को साथ में बिठाना और उनको पढ़ाते रहना। तो उस पॉइंट पर मैं एचएसएन कॉलेज से पढ़ रहा हूँ और जाके मैं जब अपनी वालदा के साथ मैं काम कर रहा हूँ इन डिफरेंट कम्युनिटीज़, एक बहुत डिस्पैरिटी मुझे एजुकेशन सेक्टर में नज़र आई कि किस तरीके से मैं एक एलीट प्राइवेट स्कूल में मेरा फ्यूचर क्या होगा और ये जो बच्चे हैं जिनको एक इनफॉर्मल एजुकेशन मिल रही है उनका फ्यूचर क्या होगा, और किस तरीके से वो एजुकेशन सेक्टर ही वो डिस्पैरिटी ला रहा है जो कि हमारी ज़िंदगियों को इस तरीके से मुख्तलिफ बना देगा। तो अपने ए लेवल्स के बाद आई मूव्ड अब्रॉड अपने अंडरग्रेड करने के लिए एंड आई स्टार्ट लिविंग इन लंदन। लेकिन एक वो जो फीलिंग थी जब मेरी वालदा मुझे लेके जाती थी उन बस्तियों में, और स्पेशली वो वाला वक्त जब मैं उन बच्चों से इंटरेक्ट करता था, वो मुझे बहुत याद आता था। और इसलिए याद आता था कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है, हमें लगता है कि हम बच्चों को पढ़ा देंगे और वो फिर आगे सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन हमारा एजुकेशन सेक्टर ही अनफॉर्चुनेटली वो डिवाइड को, वो डिस्पैरिटी को रीइंफोर्स कर रहा होता है। और ये थॉट कॉन्स्टेंटली उस वक्त भी रही जब मैं लंदन में काम कर रहा था। मैं तकरीबन 8-9 साल लंदन में रहा। आई क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट आई रियली वांटेड टू वर्क इन एजुकेशन इन पाकिस्तान, एंड आई गिव द फुल क्रेडिट ऑफ दिस टू माय मदर हु ओपन्ड माय आईज टू सम ग्राउंड रियलिटीज़ दैट अदरवाइज मेरी आंखें जो थी वो रियलिटीज़ कुछ देख नहीं पाई। तो आई डिसाइडेड इन 2018 कि यार बस बहुत हो गई, मैंने नहीं रहना लंदन में, आई रियली वांट टू कम बैक टू लाहौर एंड आई वांट टू वर्क इन एजुकेशन। सो आई डिड अ करियर स्विच and I went for my masters. I went to Harvard for my masters in education to do a specialization in education and then just come back to Pakistan and work here in education. Ab se 2 saal pehle I came back and I started working at LUMS. I teach at LUMS as well. Lekin mera jo ab zindagi ka maqsad hai wo ye ki Pakistan mein rehke jo education sector hai hamara usme jo bachcha un opportunities se jo bachcha उन सब एवेन्यू से महरूम रहता है जस्ट बिकॉज़ वो किसी ऐसे घर में पैदा हुआ है कि जहाँ पे तालीम के पैसे नहीं है उसके घर वालों के पास। ये चीज़ एक मेरे ज़िंदगी का मिशन बन गई है जिसको मैंने चेंज करना है। दूसरी चीज़ जो मुझे वापस खींच के यहाँ पे लेके आई वॉज दिस। आई एम लाहौरी एट हार्ट। मैं लाहौर में पैदा हुआ हूँ, मैं लाहौर में बड़ा हुआ हूँ, और मेरे लिए एक रेफरेंस पॉइंट था लाहौर का वो ये कि जब भी मुहर्रम और सफ़र में मेरे मामों का घर था इन मोची दरवाज़ा लाहौर। मोची दरवाज़ा अभी हम खड़े हुए हैं भाटी के दरवाज़ा के गेट के पास, मेरे दोस्त हैं उनके हम छत पे, और मोची दरवाज़ा यहीं पे इधर ही करीब है। तो मोची दरवाज़े में मेरे मामू का घर था एंड पूरा मुहर्रम पूरा सफ़र वी वुड गो टू माय मामूज़ प्लेस एंड दैट बिल्ट इन सच ग्रेट कनेक्शन विद द लोकल कम्युनिटी विद अंदरून शहर। और उस रेफरेंस पॉइंट की वजह से लोगों से भी दोस्तियाँ हुई वहाँ पर, वो कल्चर समझ आया। और ये समझ आया कि जब मैं लंदन में रहता था तो एक इतनी हाइपर कैपिटलिस्ट, एक इतनी इंडिविजुअलिस्टिक, एक अपनी कि बस हर एक को अपनी पड़ी हुई है, हर एक अपनी जो है रेस में लगा हुआ है, आई नो वज लुकिंग अराउंड एज अपोज टू आर ओन कल्चर, आर कल्चर इन साउथ एशिया विच इज़ सच हॉस्पिटेबल। इतने खुले दिल के हम सब लोग होते हैं, हम इतने वार्म हार्टेड लोग होते हैं, और वो चीज़ जो थी वो मुझे इतनी फील होती थी। लंदन में अपने बहुत एडवांटेजेस हैं, वो बहुत मेरा अच्छा टाइम वहाँ पर गुजरा, बहुत खूबसूरत शहर था, लेकिन वो जो लोगों से कनेक्शन वाला एक एस्पेक्ट ऐसे मिसिंग था, दैट रियली वॉज समथिंग दैट ब्रॉट मी बैक टू लाहौर अगैन। और इस जगह में स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनका जो मिलनसारी वाला एस्पेक्ट है या उनका जो प्यार मोहब्बत करने वाला एस्पेक्ट है, उनको ये होता है कि आप मिल रहे हो किसी को, कोई आपको वो रास्ता आगे बताने के बजाय पूछेगा आपने जाना किधर है, अच्छा आप हैं कौन, क्या हिसाब, और वो इतने ज़्यादा हॉस्पिटेबल, इतने ज़्यादा वार्म हार्टेड, इतने ज़्यादा घुलने मिलने वाले लोग हैं अंदरून के। एंड दैट्स द रीज़न दैट दिस प्लेस हैज़ जस्ट बिकम लाइक हैज़ अ रियली स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। उसके अलावा इस जगह में इतनी ज़्यादा हिस्ट्री है दैट ऑल्सो गोज सो डीपली इंटू आर ओन आइडेंटिटी। हमारी अपनी आइडेंटिटी एज साउथ एशियंस, एज पाकिस्तानीज, एज पाकिस्तानी मुसलमान, एज शिया मुस्लिम, जो भी हमारी आइडेंटिटी जो भी है वो इस तरीके से रूटेड है। क्योंकि आप जब देखेंगे इस शहर के अंदर, इस स्पेशली अंदरून शहर के अंदर, तो हर गली, हर चुबारे, हर कूचे, हर घर में एक डिफरेंट कोई हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है। और उसमें सिर्फ मुसलमानों की हिस्ट्री नहीं है, उस हिस्ट्री में सिखों की हिस्ट्री है, उस इस हिस्ट्री के अंदर हिंदुओं की हिस्ट्री है। ये शहर इतना पुराना शहर है
इसकी बुनियाद जो रखी थी वो हज़ारों साल पहले रखी थी। तो हमें जब हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, और एज एन एजुकेशनिस्ट आई कैन स्पीक अबाउट दैट इज़ वेल, कि जब हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो हमें कभी कभार इतना सिंगुलर लेंस से कि जी ये एक चीज़ के ऊपर ही हम फोकस है कि जी ये 1947 के बाद क्या हुआ। हम इस शहर में, दिस शहर इज़ टेस्टमेंट टू हाउ डाइवर्स, हाउ ब्यूटिफुल, हाउ रिच आर हिस्ट्री इज़। Every single street, every single historical monument, every single house, every single chubara speaks a history of its own. तो इस जगह में वो जब identity के साथ आपकी जब history मिलती है और आपको नज़र आता है कि यार ये लोग भी तो हम ही थे, हम भी इधर से ही आए हैं, ये जो गलियाँ हैं, ये जो जितनी भी जगह है, ये सब हमारी history की, हमारी identity की अक्कासी करती है। तो वो एक चीज़ थी that just really pulls me to अंदरून शहर, which is something that pulls me here, कि जब पूरा जितना भी दिन होता है मेरी कोशिश होती है कि अपना काम जैसे ही ख़त्म होए तो मैं शाम को इधर आ जाऊँ। कभी कभार मैं अपने मामू के घर पे होता हूँ, या कभी कभार जस्ट रोमिंग अराउंड इन दी स्ट्रीट्स एंड जस्ट काइंड ऑफ अब्सॉर्बिंग द एनर्जी इन। सो हाउ डिड यू गेट इनटू कोक स्टूडियो? तो कोक स्टूडियो वाला पूरा जो पॉइंट था वाज रियली रैंडम एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, लेकिन प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट एंजॉयबल वंस एज वेल। आफ्टर द होल वॉलेट थिंग, जुल्फी भाई, ईशान, दे ऑल गॉट इन टच एंड दे वर लाइक, यार what you've done, the wallet thing has been building hard, has been building connections, so logon ke dilon ko aap aapas mein jodein, so that's exactly the whole point of Coke Studio as well, ki aap aapas mein logon ko kareeb laye. So we want a fan who is just allowed to do whatever an experience Coke Studio. So unhone pucha ki kya karna chahoge, to matlab hum agar ye mujhe fir mujhe dekhne denge Coke Studio banta kaise. So I spent that entire season on the set just watching Tu Jhoom, Pasoodi, Peeche Hat, all of these songs being produced. Because and you really got to interact with everybody on set? Yeah, so on set bhi, and then all the interviews that were happening as well, which was again such a surreal moment, because aapko actually genuinely nazar aata hai ki kitne talented and creative log hain jin logon se main baat cheet kar raha hu, and the passion and the energy that they put in into producing Pakistani art, and that Pakistani art has been recognized across the world, which is something that I'm just like very proud of. Yeah, main chota sa part tha us pure process ka, lekin it was just a great involvement that I had that time. Wow. Got to be on the sets of Tujhoom and Peeche Hat, yeah. At the same time. Yeah, really exciting. So har gaane ki apni energy hoti hai. I think wo Peeche Hat pe jaake usi tarike se sare Gen Z bane hue the. And also bahut interesting was jo Justin Bieber se baat hui thi, because they also went viral very similarly quite a few years ago. तो उनसे जब बात हो रही तो वो उनका था, हाँ साथी भाई आपके साथ भी वही वायरल, हम भी वायरल, आपके साथ भी वही हुआ। इंटरेस्टिंग था, एक बड़ा एक्सपीरियंस था, एंड इट रियली रेजोनेटेड। फिर उसके अलावा आपदा जी से ऑब्वियसली देयर वाज सच अ हमलिंग एक्सपीरियंस टू हैव इंटरेक्टेड विद हर एंड हैविंग मेट हर एंड हैविंग सीन हर एम्बॉडी द वैल्यूज दैट शी सिंग्स अबाउट, दैट शी टॉक्स अबाउट, वो सब कुछ। फिर उनसे इंटरव्यू भी जब हुआ, सारों के जब इंटरव्यू लाइव होते थे, आपदा जी से एक इंटरव्यू जो मेरा हुआ जिसमें व्हेन वी वर टॉकिंग एंड देन शी मेंशन्ड इमाम हुसैन एंड देन शी ऑल स्टार्टेड क्राइंग एंड आई गॉट रियली इमोशनल, और वो लाइक इट वाज जस्ट लाइक वेरी रियल, इट वाज जस्ट लाइक अ वेरी सरियल बट अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस विच जस्ट लाइक क्रेजी टू मी। And how was the experience with Hasan Rahim? He's everybody's favorite these days. Yeah. Did he teach you how to dance? Competition was in the boy ball mein gaye. And I think the humility ki bahut matlab it's just ke all of these people are normal people who are great at what they do. तो हसन रहीम के साथ थोड़ा सा डांस ऑफ हुआ था, और वो तो द होल पीछे सेट पे बड़े मज़े का, जैसे कपल ऑफ वीडियोज़ ऑन दैट इज़ वेल, कि जुल्फी भाई भी डांस कर रहे हैं और वो हसन रहीम उनको सिखा रहा है और हम सारे डांस करते हैं, तो इट वाज वेरी फन। लेकिन हाँ नहीं, मैंने डांस में मैं कॉम्पिटिशन दे सकता हूँ किसी को भी। आई कॉन्ट सिंग टू सेव माई लाइफ, एवरी टाइम आई सिंग ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरीज, गाइस स्टॉप हेटिंग ऑन मी, मतलब सही आवाज़ नहीं है लेकिन इसका ये नहीं मतलब ये जाके। हाँ, सो मैं कतई तौर पर एक आध बार ये जरूर हुआ था कि जब वो महरम निकला था गाना, तो मैं भी जुल्फी भाई के पास जाके कि तू महरम ना रहा, तो उन्होंने मुझे देखा, मैं कहीं छोटे अच्छा ठीक है, छोटी बेटा। हाँ, डांसिंग हो सकती है, वो जितना करवाना है करवा लें, गा नहीं सकता लेकिन। So funnily enough, my family wasn't the reason why I came back. In fact, my family is still on my case. Yaar wapas kyun aa gaye, jao wapas London mein raho. Ek wajah nahi hai, teen wajahein hain for why I came back. Sabse pehli iske taleem mein kaam karna hai. I have this, meri zindagi ka maqsad hai ki Pakistan ki taleem mein kaam karke Pakistan ki taleemi mayar ko behtar banaya jaye.
और ये अब मेरी वालदा ने मेरे अंदर एक ये एक पैशन है जो इनकलकेट कर दिया, तो अब बस अब वहाँ पे नहीं कुछ लिखा, अब यहाँ पे और पूरी ज़िंदगी इसी मकसद में अब पूरी ज़िंदगी गुजार देनी है। अब दूसरी चीज़ जो है वो आई रियली वॉन्टेड टू बी इन लाहौर फॉर मुहर्रम एंड सफ़र, सो दैट समथिंग दैट आई रियली फील रूटेड इन। सो मुहर्रम एंड सफ़र जब अंदरून शहर में होता है उसका एक वो जो कल्चर है वो जिस तरीके से यहाँ पे उसको ऑब्जर्व करते हैं, दैट समथिंग दैट्स रियली क्लोज टू माई हार्ट, सो दैट ब्रॉट मी बैक हियर। और तीसरी चीज़ इज जी ये शहर इतना खूबसूरत शहर है, ये जिंदा दिलों जिंदा दिल लोगों का शहर है, और इस शहर की इतनी एक ऐसी कशिश है, इधर मसले बहुत हैं एंड आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट यू नहीं सब कुछ परफेक्ट है, बिल्कुल चीज़ें परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये शहर बहुत खूबसूरत शहर है। इस शहर के अंदर जो हिस्ट्री है, इस शहर के अंदर जिस तरीके से प्यार मोहब्बत को इस तरीके से हमारी हिस्ट्री में हमारे कल्चर में इस तरीके से समाया हुआ है, और इधर की जो गलियाँ, इधर की जो जो बाज़ार, इधर की जो सब कुछ है, दैट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि वो सिर्फ ये शहर है, ऑब्वियसली लाहौर इज़ मच बिगर दैन जस्ट अंदरून शहर, बट इस यहाँ पर क्योंकि मेरा मुहर्रम सफ़र गुजरता था अंदरून शहर में आके स्पेसिफिकली दोज फ्यू मंथ्स, सो आई वुड कॉन्स्टेंटली जस्ट दैट यर्निंग कि यार लंडन वॉज ग्रेट, बट इस शहर की बहुत एक अपनी फील है। जब सुबह उठते हैं सो इफ पीपल हैव सीन माय इंस्टाग्राम, और मुझे अब ये वजन जो है काफ़ी बढ़ जाना है इसके बाद, लेकिन आई एम अ मैसिव फूडी एंड आई लव टू डिस्कवर न्यू प्लेसेस। यहाँ पे मुझे कोई खाने की फिट सी जगह मिल जाए तो आई कुड जस्ट गो देयर। सो कोशिश होती है कि सुबह उठते साथ ही है, हर रोज़ तो नहीं हो पाता, लेकिन जो लाहौर का बेस्ट नाश्ता होता है उसको ढूंढे। हमारी थोड़ी सी एक स्टीरियोटाइप भी बन चुका है लाहौरियों का, यार तुम लोग सारा साल खाते ही रहते हो, तो अनफॉर्चुनेटली आई टेक दैट स्टीरियोटाइप कि आई हैव ट्राइड ऑलमोस्ट ऑल द मेन प्लेसेस, बट नाउ आई ट्राई टू लुक फॉर जो छोटी छोटी जगह होती हैं जो लाहौर की, उनको ट्राई किया जाए नाश्ते में, सो दैट्स समथिंग आई रियली लुक फॉरवर्ड टू। ओए ये मुश्किल सवाल है, ये एक जगह नहीं, और अनफॉर्चुनेटली जितने भी ये खाने वाले लोग हैं वो सब मेरे दोस्त भी बन चुके हैं, तो मैंने किसी एक का अगर नाम लिया ना तो लड़ाई हो नहीं होने का, भाई आपने उनका नाम क्यों लिया। मैं गोगे के नान चने खिलाऊंगा उन्हें, ठीक है जी, उनको मैं, और ये अच्छा इस पर भी लड़ाइयाँ होनी है, लेकिन मैं वारिस की निहारी खिलाऊंगा उन्हें। मैं जो है उन्हें फीके की लस्सी, नॉट टू श्योर अबाउट नहीं, हाँ लस्सी जो है ना, अभी हम ज़रा डिबेट करें, अभी हम फाइनल अपनी वो कहते हैं जेदे की लस्सी, मोस्ट प्रॉब्ली उनको जेदे की लस्सी पिलाऊंगा जाके, और उसके अलावा वो डिफेंस गुलबर्ग में भी ले जा सकता हूँ, लेकिन आई थिंक कि यहाँ पर ही अगर उनका पेट भर गया और इतनी कैलोरीज हो रही हैं कि पूरा हफ्ता जो है ना इन्हीं कैलोरीज पर वो चल सकते हैं। यार मम्मी डैडी, मेरे मम्मी डैडी कुछ नहीं होता, आई ऑल्सो समटाइम फील कि यार मैं बर्गर हूँ, मैं खुद मैं बर्गर और बन कबाब का कौन सा कॉम्बिनेशन हूँ, लेकिन अगर मम्मी डैडी हैं अगर वो तो कोई मसला नहीं है, आई थिंक मैं भी मम्मी डैडी हूँ, यहाँ का जो खाना है ना वो बहुत फिट है। Did I not get sick initially जब मैं बाहर से वापस आया? नहीं जी, जब दिल्ली इधर था हमेशा थ्रू आउट, वो थोड़ी सी बीमार हो जाते हैं वो आगे, वो कोई मसला नहीं है। यहाँ का जो खाना है ना, लेकिन वो हाथों से नहीं बनता, वो लोग दिल से बनाते हैं, जो उनकी रेसिपीज़ हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बारिश ने हारी, व्हेन आई वेंट एंड स्पोक टू द गाय, और उससे मेरी दोस्ती भी हो गई, अली भाई है वहाँ पे, जब उनसे दोस्ती भी हो गई, उन्होंने बताया कि यार हमारा जो है ना रेसिपियाँ हमारी अभी नई रेसिपीज़ नहीं, हमारी तब की रेसिपीज़ हैं, तो हम आपको खाना नहीं सर्व करें, हम आपको अपना कल्चर, आपको ट्रेडिशन सर्व करें, तो वो दिल से खिलाने वाले लोग हैं, तो वो पेट खराब हो जाता है कोई बात नहीं हो जाकर, अल्टीमेटली जो खिला रहे हैं वो दैट्स व्हाट मैटर्स। So, any plans of getting married soon? Since you've come back to your home country, or do you plan to go back to London and Bollywood, get married? Bollywood film. Exactly. No comments on this. अभी फिलहाल के लिए. No comments? A lot of hearts will be broken now. So are you single? God, guys, next question. Okay, so how do you connect with the younger generation? Because now the younger generation seem to think that they know it all. So is it difficult to get through to them and make them understand? Whatever you're trying to teach I think them? I'm so inspired by Gen Z, by young people. I would hope I also get counted as one of them. Like, yeah, bahut zyada scene hai. So as someone who's working in education, as someone who's now teaching at LAMS as well, I really think young people do need to be given the agency, and they need to be given platforms to be able to express themselves. We're a country that's being managed by old men. That's standard, typical all around the world. Young logon ke paas itna zyada talent hai. Young logon ke paas itni zyada energy hai.
giving them spaces, giving them avenues to come ahead और अपने आप को express करें. हमने देखा है कि इस तरीके से like Coke Studio की हम लोग बात कर रहे थे, जैसे पीछे हट है. It's such a good testament to the emotion that people feel right now. Yeah, just get out of our way and let us do work that we want to do. Or let us just express ourselves as opposed to जो Gen Z के ऊपर और young लोगों के ऊपर constantly इतनी बंदिशें, इतनी ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो. This generation has a lot to offer. But it's only that we need to be able to create spaces कि आगे लोग express करें अपने आप को, वो offer करें दुनिया को, as opposed to वही जो पुराने structures, पुराने लोगों ने उन्हीं structures को, system को संभाला हुआ है. What is one word of advice that you would give somebody who you feel would want to come back to Pakistan and you know become invested in the society and make it more productive or help younger people? I think it's a very subjective. जो बाहर, स्पेशली जो बाहर पाकिस्तानी है, स्पेशली जब वो देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान के हालात, पीपल डू वांट टू कम बैक, और उनके अपने दिल में एक हसरत होती है कि यार वापस आएँ. आई डू कैरी अ लॉट ऑफ प्रिविलेज विच हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ मी कमिंग बैक, सो मेरी सिचुएशन किसी और पर नहीं अप्लाई होगी. लेकिन जो आप पाकिस्तानी जो बाहर हैं भी, अगर इफ़ यू आर लुकिंग टू कम बैक, देन थिंक ऑफ अपने सर्कमस्टांसिस, अपनी फैमिली एक्सेट्रा. इफ़ यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ, सेव योरसेल्फ एंड यू वांट टू मूव बैक टू जेन्युइनली सर्व, तो आई डोंट थिंक इस जगह से बेहतर, बोथ फ्रॉम इम्पैक्ट परस्पेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम अ पर्सनल ग्रोथ परस्पेक्टिव, आई डोंट थिंक इस जगह से कोई बेहतर जगह है. देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ऐसी बात नहीं है कि ये बड़ा आसान है जगह रहने के लिए. और आई डोंट वांट टू गैसलाइट पीपल हु लीविंग या वो और हु चूज टू मूव अब्रॉड. हर एक के अपने एक्सपीरियंस है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में दिस इमेंस वर्क दैट अ लॉट ऑफ पीपल कैन डू और जो लोग कर भी रहे हैं, बट बीइंग पार्ट ऑफ दैट जर्नी इज इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स समथिंग दैट आई पर्सनली derive a lot of motivation and satisfaction from. What's the difference between your life in London and now in Lahore? Yaar, ye dekhiye, ye jo hai khoobsurti Lahore ki, ye is unmatched. London bhi was great. I am not going to dismiss the fact that wo bhi khoobsurat jagah thi, meri zindagi ka bahut acha part wahan pe guzra. Lekin yahan pe specifically I think ek capitalism ki ek wo approach hoti hai ki har ek banda bahut individualistic ho jata hai. I really felt a disconnect with people there. मेरे आई वॉज वेल रूटेड, मेरे बहुत दोस्त वगैरह सब कुछ अभी भी उधर ही हैं, लेकिन हर एक को अपनी ज़िंदगी में अपने ही बस है ना. इट्स ऑल अबाउट सेल्फ, इट्स ऑल अबाउट अपनी इंडिविजुअलिज्म, विच अगेन कैन वर्क इन मोस्ट केसेस. लेकिन जो कलेक्टिव कम्युनिटी होती है, स्पेशली फॉर पीपल हु ग्रोन अप इन दिस कंट्री, जब मैं स्टोरीज लगा रहा हूँ तो यहाँ से, व्हेन आई कवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाहौर, डिफरेंट एरियाज ऑफ लाहौर, अक्सर लोग मैसेज करके कह रहे होते हैं यार हम बाहर चले गए हैं, लेकिन जो यहाँ की यादें हैं, जो यहाँ के लोग हैं, हमें जाना पड़ा फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और फॉर व्हाटएवर रीजन, फॉर सेफ्टी, फॉर सिक्योरिटी. वुमेन फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ देम विल हैव टू मूव और एंड अप हैविंग टू मूव अब्रॉड. लेकिन जो यहाँ पे कनेक्शन है लोगों के साथ, that can go both good ways and bad ways, lekin in good ways that's beautiful. Wo ek community wali sense yahan pe jaate, kabhi kabhi uske masail bhi hote hain, lekin wo ek cheez hai jo ki London mein kabhi bhi taur pe aapko nahi milti, because everyone is just like main. Aur London nahi sirf US mein bhi, it's just a very hyper capitalist way of looking at life, which isn't necessarily jo hamara jo community wala, hamara family wala jo system hai, hamare logon ke sath rehne wala system hai. Idhar ke logo, especially jab aap andaroon ke logon ko dekhte hain, यहाँ पे तो स्पेशली जो लोग इस तरीके से आपस में घुल मिल के जितने रहते हैं, तो मेरे पास एक एवेन्यू था क्योंकि मैं ननिहाल अंदरून में कुछ अर्सा रहा था, मेरे मामू को यहाँ पे सेट घर है, उसकी वजह से आई हैव जस्ट सीन सच ब्यूटीफुल कल्चर विच इज़ नॉट रेप्लिकेबल एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. आई थिंक सो मेरे लिए एंड आई हैव स्पोकन अबाउट दिस अ लॉट, इज़ कि मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा है इमाम हुसैन. आई रियली फील कि जब मैं बचपन से, मेरी सबसे फॉन्डेस्ट जो मेमरीज़ हैं मेरे नाना के साथ, मेरी फैमिली के साथ, वो अंदरून शहर की हैं. क्योंकि यहाँ पे जब मैं आता था मुहर्रम के लिए, तो जो वक्त यहाँ पे गुजरता था, और जिस तरीके से मेरे नाना ने, जिस तरीके से मेरे फैमिली ने मुझे इमाम हुसैन से प्यार करना सिखाया, और कभी भी डिवाइड की, सेक्टेरियनिज्म की, कभी भी लड़ाई की बात नहीं की, हमेशा बात की कि यार बस अपने आप को उनके इश्क में, अपने आप को उनके प्यार में इस तरीके से अब्सॉर्ब कर लो कि किसी से नफरत करने की, किसी से डिवाइड करने की आपको वक्त ही ना मिले. और दैट समथिंग आई रियली वॉन्ट टू एम्बॉडी, बिकॉज दैट समथिंग दैट बीन पास्ड ओवर टू मी in my through my generation, through my grandfather, through what my parents have taught me. In terms of Imam Hussain, main Karbala mein jata hu, nahi ji, this was my sixth time that I went, and it is jo wahan pe jaane ka experience hota hai, mujhe bulawa aa jata hai, aur wo main I'm always thankful to them ki mujhe jaise hakeer se insaan ko wo bula lete hain wahan pe aur ijazat de dete hain ki main wahan pe aake apne dil ki baat kar sakun. Mujhe bachpan se hota tha ki yaar I really want to talk to people, ye mere dil mein unke liye bahut kuch hai, to शायद लोगों के और मेरी कोई औकात नहीं है, वो बिल्कुल कुछ औकात नहीं है, मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि उनके बारे में बात कर सकूँ, लेकिन उनसे प्यार बहुत है. तो जब दिल में कोई प्यार
किसी के लिए होता है तो दिल चाहता है कि आप उनके बारे में बोलें. सो रैंडमली ये हुआ कि लास्ट ईयर आई वॉज देयर और ये वॉलेट वाला इंसिडेंट हुआ था उससे थोड़ा सा पहले. एंड आई मेरा इंस्टाग्राम पब्लिक उस वक्त रैंडमली हो गया था और जो भी चीज़ हुई तो आई जस्ट सेड कि मैं करबला में जा रहा था फॉर मुहर्रम एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग फ्रॉम देयर के. और मैंने लोगों को कहा कि आप लोगों मुझे पता नहीं क्यों फॉलो आपने किया लेकिन आप व्हाट यू आर अबाउट टू सी इज जस्ट समथिंग दैट्स अ लेबर ऑफ लव. मुझे जिनसे प्यार है मैं उनसे मिलने आया हुआ यहाँ पे एंड आई जस्ट शेयरिंग दैट जर्नी विद यू ऑल एंड दैट्स वेयर इट ऑल जस्ट पिक्ड अप ऑल ऑफ अ सडन. और अल्टीमेटली ये कि व्हाट वुड आई रिकमेंड एनीवन हु इज गोइंग देयर, तो ये कि आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम देम इज ह्यूमिलिटी, इज खाकसारी, इज आर्जी, इज इनकसारी, कि अपने आप को किस तरीके से खाक से मिला के रखो और अपने आप को कुछ समझो नहीं. अपने आप को जो भी हो जब उनके सामने हो तो कुछ नहीं हो. एंड दैट समथिंग दैट रियली 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 रेजोनेट्स विद मी. इट्स समथिंग दैट्स बीन टॉट टू मी बाय माय एल्डर्स एंड दैट्स समथिंग दैट आई वुड जस्ट कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. क्योंकि वो डर जो है वो सिखाता आजजी है, वो डर जो है वो प्यार सिखाता है, वो मोहब्बत सिखाता है. बट दैट्स समथिंग दैट आई जस्ट कीप ऑन आई विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट. कि वो रैंडम सी मेरी ज़िंदगी का सबसे रैंडम चीज़ हुई होगी वो जो मैं अब भी कभी कभार सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये क्या हुआ था ये अचानक से और वो क्या पता नहीं. एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देन. बट मैं रैंडमली लंदन में उस वक्त था मैं एंड आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम माय जिम एंड मैंने रास्ते में देखा किसी का वॉलेट पड़ा हुआ था. मैंने वॉलेट उठाया तो किसका वॉलेट है वो करके तो देखा तो कार्ड्स एक बंदे का पे नाम लिखा हुआ था और वो दैट पर्सन हैपेंड टू बी इंडियन क्योंकि वो राहुल उसका नाम था. तो वो मैं राहुल को मैं ढूंढने के लिए अब निकला हूँ जाके एंड देन जब वो कर रहा था ढूंढ रहा था उसे तो मैं ट्विटर पे भी डाल रहा था साथ साथ कि अपने दोस्तों से मशवरा ले रहा हूँ कि यार क्या करूँ वॉलेट मिला है वो करके. एंड दैट ट्वीट जस्ट वेंट वायरल एज पीपल नो एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड. इट्स स्टिल अ वेरी रैंडम थिंग फॉर मी. आई थिंक लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें की होती हैं और इतने माशाल्लाह से लोगों ने इतना प्यार मोहब्बत दिखाई होती है बट आई थिंक एट दैट टाइम दैट स्टोरी जस्ट रेजोनेटेड विद पीपल. बट वट आई वॉज ग्लैड टू सी वॉज के यार एक मोहब्बत का और एक प्यार की चीज़ थी. आई कॉल्ड माई मॉम अपने उसने कहा मैं ये पता नहीं क्या हुआ है. शी वाज लाइक यार मतलब तुमने एक अपने जो है किसी इंडियन की हेल्प की है और इट्स जस्ट एक प्यार की प्यार भरी कहानी है. एक मतलब आपने किसी को चीज़ किसी की वापस किया और आगे से वो खुश हो गया और अगर वो दुनिया ने अगर उसको उसके लिए आपको अप्रिशिएट किया तो जस्ट टेक इट. आई वाज लाइक आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल टू पीपल हु जस्ट शावर्ड लव ऑन मी एट दैट टाइम बोथ फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान. एंड अभी भी मुझे कभी बार यकीन नहीं आता कि ये एक्चुअली हुआ था और किस तरीके से द स्टार्स मस्ट हैव अलाइंड और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट जस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर द लव दैट्स बीन शोन टू मी सिंस देन. It was overwhelming. I got really anxious after. पहले एक दिन तो it was okay, but then Jio called me and then other like all of these BBC called me. And I'm like, guys, मतलब आपके पास कोई बेहतर news नहीं है चलाने के लिए. But it was a very overwhelming experience. मुझे but it was just it was fun and I was just glad कि प्यार की बात हुई है ना, आपस में दिल जोड़ने की बात हुई है. क्योंकि कितना हम demonize करते रहते हैं the other को कि कोई भी अदर और अदर कोई भी हो सकता है, कोई भी डिफरेंट पर्सन, कोई अदर आइडेंटिटी एक्सेट्रा. तो सही है अगर प्यार की बात हुई और ये मेरे दिल से चीज़ थी, मैंने इसलिए किया नहीं था, मैं तो मतलब जाके करा मैंने क्या करा था लेकिन वो हो गया. तो व्हाट आई डू विद कोक स्टूडियो, सो कोक स्टूडियो वाज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट फन एक्सपीरियंसेस फॉर मी आफ्टर दिस वॉलेट थिंग. कोक स्टूडियो आस्क मी किया तुमने आना है हमारे सेट्स में, वी इनवाइट यू एज अ फैन कि तुमने यू जस्ट शोन यू डन रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस. तो एंड वी ऑल्सो ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रिजेज एंड कनेक्टिंग हार्ट्स. तो आओ एंड एज अ फैन व्हाट वुड यू लाइक टू डू. मैं कह रही मैं मुझे आई लव टू बी ऑन द सेट्स. सो दे अलाउड मी टू बी ऑन द सेट्स एंड आई वॉज एबल टू एक्सपीरियंस द होल ऑफ कोक स्टूडियो बीइंग प्रोड्यूस्ड. जितने भी मोमेंट्स थे वो मेरे जो और जो वो मोमेंट्स मेरे भी दिल के करीब जब आपदा जी और नसीबू जी आके मिल रहे हैं आपस में और जब पसूड़ी की शूटिंग हो रही है और सोच रहे हैं कि यार इसको इसके लिरिक्स हैव टू कनेक्ट हार्ट्स एक्सेट्रा. सो ऑल ऑफ दैट हैपनिंग वाज जस्ट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड दैट वाज वेरी 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 शॉकिंग बट इट वाज वेरी एंजॉयबल. एंड ऑल्सो ऑल द इंटरव्यूज आई वॉज डूइंग विद कोक स्टूडियो जब आपदा जी का इंटरव्यू लिया और वन वी स्पोक अबाउट इमाम हुसैन एट दैट टाइम एंड देन हाउ आवर हार्ट्स कनेक्टेड एंड शी स्टार्टेड वीपिंग मेरे आंखों में आंसू आ गए और वो एक लाइव इंटरव्यू हो रहा था. तो वो सारी चीज़ें और इट जस्ट सीम लाइक ऑल द स्टार्स वर जस्ट अलाइनिंग और सारी चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं विच अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पीपल फॉर ट्रैवलिंग द लव दैट वी टेक. व्हेन पीछे हार्ट वाज बीइंग मेड यस. तो वो वाला टाइम था. ओके यू कैन ऑलरेडी सी कि जैसे वो गाने वो चेंज होती है ना वो गाने वाली एनर्जी आ जाती है. तो पीछे हार्ट को मैं सामने देख रहा
So Hasan Rahim and Justin Bieber. So Justin Bieber also had a very similar story of going viral. Because they also randomly went viral in Pakistan और सारे कहे थे जी जस्टिन बीबी कौन है. तो उनसे जब मैंने बात की ना तो उन्होंने कहा गाजी भाई आपके साथ भी ऐसे ही हुआ ना, हम भी ऐसे ही वायरल हुए थे, हमारी भी ऐसी स्टोरी है, हमें भी समझ नहीं आ रही थी. मैंने कहा मुझे भी नहीं समझ आ रही थी कि क्या हो रहा है वो करके. तो इट्स ऑलवेज लाइक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू कनेक्ट विद पीपल हु हैड सिमिलर एक्सपीरियंसेस. बट इतने मजे की वाइब थी एंड आई रियली हैट्स ऑफ टू ज़ुल्फी भाई फॉर जस्ट लेटिंग मी बी पार्ट, निशान एंड ऑल द टीम हु लिटरली मेड मी फील एट होम व्हेन आई वाज़ देयर. और ये गाना लग रहा है, अभी गाना जैसे रुकते आप सारे आगे जी डांस भी साथ ही हो रहे हैं. वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू जस्ट बी पार्ट ऑफ. नहीं नहीं ये वाला इसका जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि नहीं. आई जस्ट फील आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ज़ुल्फी भाई हु आई सॉ अ लॉट ऑफ वर्क दैट ही वाज पुलिंग ऑफ. ज़ीशान हु वाज डूइंग अ लॉट ऑफ बिहाइंड द सीन वर्क एंड एवरीवन इज जस्ट सो. आई रियली थिंक यार हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा टैलेंट है. और वो इतनी क्लीशे सी बात है, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, असल में बहुत ज़्यादा टैलेंट है. देयर इज पीपल हु लाहौर में थोड़ा ज़्यादा ही टैलेंट है, लाहौर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है. लेकिन हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा टैलेंट है एंड आई रियली थिंक कि बिकॉज ऑफ आर सिस्टम्स एंड आर स्ट्रक्चर्स देयर सो मेनी यंग पीपल हु आर जस्ट फ्रस्ट्रेटेड नॉट फाइंडिंग एन एवेन्यू टू बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. अपने जो उनके अंदर जो टैलेंट है वो किस तरीके से एक्सप्रेस करें, वो किस तरीके से बताएं कि उनका हुनर आता है. एंड अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द सक्सेस फैक्टर्स दैट वी हैव फॉर दिस कंट्री फॉर आर एजुकेशन सिस्टम स्पेसिफिकली इसके हाउ कैन यूर एजुकेशन सिस्टम जस्ट डेवलप एन एवेन्यू कि यार किसी तरीके से आप बाहर चले जाएँ. बाहर जाना हैज़ बिकम अ सक्सेस क्राइटेरिया एंड राइटफुली सो. जो उनको अपॉर्चुनिटीज लोगों को नहीं मिल रही, जो लोगों को यहाँ पे जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली सिस्टम से. बट देन व्हेन वी सी थिंग्स लाइक दीज वेयर शेख गिल फॉर एग्जांपल एज अ रैंडम पर्सन सिंगिंग ऑन द इंटरनेट जस्ट रैंडमली गेट्स पिक्ड अप बाय कुक स्टूडियो एंड देन आउटशाइन्स एवरीवन एंड जस्ट कम्स आउट लाइक द वे शी डिड एक्सेट्रा. सो ये सारे एक्सपीरियंसेस जस्ट रीइंफोर्स द फैक्ट कि हमारे पास टैलेंट इतना ज़्यादा है. वी जस्ट नीड आवर यंग पीपल, स्पेशली आवर यंग पीपल रियली नीड एन एवेन्यू टू बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. उनको कॉन्स्टेंटली उन बंदिशों में, उनको कॉन्स्टेंटली उन डब्बों में ना बंद करें कि जी ये सही है, ये गलत है, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना. बिकॉज पीपल आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. जस्ट लाइक वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर पीपल कैन ईजिली जस्ट बी एग्जिस्ट एंड दैट्स समथिंग दैट दिस एक्सपीरियंस काइंड ऑफ री इन्फोर्स फॉर मी.